बिना गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट किए हुए गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने वाली सरकारी स्कीम कौन सी है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेधा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। आज फ्रेम थोड़ा अलग है। खैर, सोने से प्यार किसको नहीं होता? वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप वाला सोना, हम यहां बात कर रहे हैं गोल्ड वाले सोने की। इंडिया में ज्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके साथ आते हैं बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि उसके मेकिंग चार्जेस। जब हम ज्वेलरी एक्सेट्रा बनवाते हैं गोल्ड के, तो हमें उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, और अगर गोल्ड लिया है तो फिर उसका सेफ्टी इशू भी होता है, और अगर हम इसके लिए बैंक लॉकर भी लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। फिर आता है प्योरिटी टेस्ट का इशू, इसके बाद आता है कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको पॉलिश एक्सेट्रा करवाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट, और फिर अगर कुछ सालों बाद ज्वेलरी का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है तो अलग से मेकिंग चार्जेस देकर उसकी डिजाइन चेंज करने का अलग कॉस्ट देना पड़ता है। इसलिए ही डिजिटल गोल्ड बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें उसमें ये सारे एक्सपेंसेस जैसे मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी टेस्ट, सेफ्टी इशू, पॉलिशिंग एक्सेट्रा नहीं देने पड़ते हैं। डिजिटल गोल्ड को हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कुछ सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जब गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगे उसको सेल करके एक प्योर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिजिटल गोल्ड से भी बेहतर ऑप्शन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो चलिए इसको पूरा डीकोड करते हैं। पहले जानते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। ये बॉन्ड्स आरबीआई साल में 4 या 5 बार सीरीज वाइज इशू करती है। अभी हाल में 2023-24 की न्यू सीरीज फॉर एसजीबी इशू किया गया है, जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 फरवरी है। अब इसके लिए अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है और इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, सब जानते हैं। तो कोई भी भारतीय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें माइनॉरिटी अकाउंट भी ओपन करवाया जा सकता है, लेकिन उसको कोई पेरेंट्स या गार्डियन ही मैनेज कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है 8 इयर्स, लेकिन अगर 8 साल पर हमें ऐसा लगे कि अभी हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम इसे 3 साल के लिए और यानी कि 11 साल तक इसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। तो एसजीबी के थ्रू हम जो गोल्ड परचेज कर सकते हैं, उसकी 1 यूनिट की वैल्यू होती है 1 ग्राम गोल्ड, और ये 1 ग्राम गोल्ड होता है 24 कैरेट का। तो इस 24 कैरेट की जो वैल्यू है आज की डेट में, वही होती है इसकी इशू प्राइस। तो ये प्राइसिंग इस तरह से डिसाइड की जाती है, और सेल करते टाइम भी ऐसे ही प्राइस डिसाइड किया जाता है, यानी कि सेल करते टाइम जो भी 24 कैरेट का प्राइस चल रहा होगा, वही अमाउंट आपको मिलेगा। अब जानते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के एडवांटेजेस क्या हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऐसे बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कि इसको बाकी स्कीम से काफी यूनिक बनाते हैं। पहला एडवांटेज है, इसमें हमें कोई भी डिजाइन और मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। जब हम फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो हमें उसमें अलग से मेकिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस या सब देने पड़ते हैं, और साथ ही साथ जैसे ही हम गोल्ड शॉप से बाहर आते हैं, तभी उसकी कॉस्ट 20-25% कम हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है, इसमें हमें कोई भी स्टोरेज का रिस्क नहीं लेना पड़ता, और सेफ स्टोरेज के लिए लॉकर एक्सेट्रा का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है कि यहाँ कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो सेफ्टी का कोई सवाल ही नहीं आता है। नेक्स्ट है, इसमें खरीदा जाने वाला सोना बिल्कुल प्योर होता है। नॉर्मली जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वो गोल्ड 22 कैरेट या इससे कम का ही होता है, तो यहाँ हमें बिल्कुल 24 कैरेट का प्योर गोल्ड मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही फायदा तो डिजिटल गोल्ड में भी मिलता है, फिर ये कैसे बेहतर हुआ? तो इसका रीजन ये है कि डिजिटल गोल्ड में आपको जीएसटी, एक्सपेंस रेशो एक्सेट्रा देना पड़ता है, लेकिन एसजीबी में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट एसजीबी में आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का, जो कि हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगला एडवांटेज है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें कोई भी जीएसटी और एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना पड़ता।
जब हम फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो वहां पर हमें अपनी परचेज पर जीएसटी देनी पड़ती है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में हमें जीएसटी और एसटीटी दोनों ही नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट एडवांटेज है, जब हम एसजीबी परचेज करते हैं तो हमें आरबीआई की तरफ से एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है एज अ प्रूफ ऑफ परचेज, और ये सर्टिफिकेट लोन के कोलेटरल के लिए हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम फिजिकल गोल्ड को गिरवी रख कर लोन या कर्ज लेते हैं, ठीक उसी तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रख कर लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगला एडवांटेज है, इसमें हमें कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है 8 इयर्स, लेकिन इस बॉन्ड को 5 इयर्स के बाद कभी भी बेचने पर हमें इस पर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही इस स्कीम की एक खास बात है। जबकि अगर हम गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां हमें टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इसका एक और एडवांटेज है डीमैट फॉर्म, इसको हम अपने डीमैट अकाउंट से भी परचेज कर सकते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट तो गायब होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखने पर वो हमारे पास एज अ प्रूफ ऑफ परचेज रहता है। एसजीबी का नेक्स्ट एडवांटेज है, इसमें मिलने वाले रिटर्न्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हमारे लिए टैक्स फ्री के साथ साथ रिस्क फ्री भी होती है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रिस्क फ्री होता है। इसमें हमें 2.5% का रिटर्न एनुअली मिलता है, जो कि हर 6 महीने पर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब हमारा टेन्योर खत्म होगा तो हमारा प्रिंसिपल हमें उस रेट पर मिलेगा जो उस टाइम गोल्ड की मार्केट वैल्यू होगी। तो यहाँ हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब एडवांटेजेस तो जान ही ली है, चलिए अब थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है इसका लॉक इन पीरियड। जैसे कि हमने बात की है कि इसकी मैच्योरिटी 8 इयर्स की होती है, लेकिन हम इस स्कीम से 5 साल के पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है और आपको पैसों की तुरंत जरूरत पड़ती है तो आप इन पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड्स एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं, तो इन्हें हम 5 साल के पहले भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में SIP का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें हमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ ही करनी होगी, जो कि हम में से कई लोगों के लिए एक साथ अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसी के साथ आती है कि अगर हम इन्हें 5 साल के पहले बेचते हैं तो फिर हमें कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अब जानते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो जैसे कि हमने बात की है कि इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 8 इयर्स, तो हमें अपने बॉन्ड्स को 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। 8 साल कंप्लीट होने पर RBI वो बॉन्ड्स हमसे वापस ले लेती है, और इस सिनेरियो में हमें कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इन केस अगर हम 5 साल पर भी RBI को बॉन्ड सेल करते हैं तो भी हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री रहेगा। इनफैक्ट अगर हम इसे 3 साल के लिए और बढ़ाते हैं और ड्यूरेशन 11 साल की कर देते हैं तो भी हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अपना डीमैट अकाउंट का यूज करके स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं तो फिर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। सपोज आपने 3 साल से पहले ही इसे बेच दिया तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, और ये टैक्स आपकी इनकम स्लैब के बेसिस पर डिसाइड होगा। लेकिन अगर आपने इसे 3 साल के बाद और 5 साल से पहले ही सेल कर दिया तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो कि है 20%। इसके साथ 4% सेस और इसके साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, तो अगर शॉर्ट में बात करें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। अब जानते हैं इसमें इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, सबसे जरूरी सवाल। तो पहला है बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस और तीसरा है स्टॉक ब्रोकर्स। तो अगर आप ऑफलाइन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म फिल करके और अपना KYC करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ओपन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाकी के किसी मेथड से ओपन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। वैसे मैं यहाँ आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप इसे डीमैट अकाउंट में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करें।
अब जानते हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना परचेज आप कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मिनिमम 1 ग्राम हम परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 kgs पर पर्सन पर ईयर परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है। तो आपको अगर अभी तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं थी तो अब आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड RBI की ऑफिशियल नोटिस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इसमें क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जोश मनी। थैंक यू।